हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कंडक्टेंस। जैसा हमने रेजिस्टेंस करा था, रेजिस्टेंस क्या होता है? जब करंट भागता है तो उसको रोकता है या अपोज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन कंडक्टेंस क्या है? उसका उल्टा होता है, मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अभी उल्टा है रेजिस्टेंस का, तो काम भी उल्टा ही करेगा। रेजिस्टेंस करंट को रोकता था, लेकिन कंडक्टेंस करंट को जाने देगा। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, उतना ही ज्यादा उसमें से करंट फ्लो करेगा और उतना ही अच्छा वो कंडक्टर होगा। तो रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस कम। रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा, तो कंडक्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम और कंडक्टेंस हमारी ज्यादा, ये इनवर्स होते हैं तो अपोजिट होते हैं। यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट भी उल्टी, रेजिस्टेंस की ओम होती है तो इसकी ओम इनवर्स। या रेजिस्टेंस की लिखते हैं ओ एच एम, तो इसकी क्या लिखे? मोह, एम एच ओ, ये इसकी सीमेंस लिखते हैं और इसको एस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारी कंडक्टेंस होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ही शॉर्ट में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।